दोस्तों, चीफ जस्टिस एनवी रमना के कार्यकाल का आज अंतिम दिन है। इस मौके पर एनवी रमना की अध्यक्षता वाली सेरिमोनियल बेंच के सामने लगे मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग भी की गई। आपको बता दें कि मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना के कार्यकाल का आज आखिरी दिन है और अंतिम दिन को चिन्हित करने के लिए ऐसा किया गया है। चीफ जस्टिस एनवी रमना अपने कार्यकाल में जल्दी सुनवाई के लिए मुकदमे को सूचीबद्ध करने पर ध्यान केंद्रित न कर पाने के लिए अपनी आखिरी समारोह पीठ में क्षमा तक मांग डाली। सीजीआई एनवी रमना ने कहा कि आई एम सॉरी, जो हमने केस जो पेंडिंग है उसको जल्दी जल्दी निपटाया नहीं है। इसके लिए सीजीआई एनवी रमना ने देश से आई एम सॉरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके माफी मांगी। जस्टिस रमना ने समारोह पीठ को संबोधित करते हुए कहा कि 16 महीनों में सिर्फ 50 दिन ही प्रभावी और पूर्णकालिक सुनवाई कर पाया हूं। कोविड के कारण कोर्ट पूरी तरह काम नहीं कर पाया, लेकिन उन्होंने पूरी कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट का कामकाज चलता रहे। इससे पहले प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारियों के काम की काफी तारीफ की। उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत के कर्मचारी एक अदृश्य शक्ति है जो न्याय देने में संस्था की मदद करते हैं। न्यायमूर्ति रमना ने कोविड-19 महामारी के प्रकोप के दौरान सर्वोच्च न्यायालय के कर्मचारियों के योगदान की सराहना तक की, जिसके चलते शीर्ष अदालत एक दिन का भी अवकाश लिए बिना लगातार काम करना जारी रख सकी। उच्चतम न्यायालय कर्मचारी कल्याण संघ द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में न्यायमूर्ति रमना ने कहा कि पिछले 16 महीने से भारत के प्रधान न्यायाधीश और 8 साल तक शीर्ष अदालत के न्यायाधीश के रूप में काम करने का उनका अनुभव अद्भुत रहा। उन्होंने जनता के लिए जिस तरह के काम किए वो काफी अद्भुत रहा। उनका कार्यकाल जो है वो अद्भुत रहा। प्रधान न्यायाधीश ने ये भी कहा था कि एक समय सुप्रीम कोर्ट के 500 कर्मचारी एक दिन में कोरोना वायरस से संक्रमित मिले थे। ये एक भयावह स्थिति थी। आप सभी ने घातक महामारी के दौरान अपनी जान जोखिम में डालकर काम किया। आपने ये सुनिश्चित किया कि उच्चतम न्यायालय एक दिन का भी छुट्टी लिए बिना काम करता रहा। ये संस्था के प्रति आपके समर्पण का प्रतीक है। आप सभी को मेरा सलाम है। न्यायमूर्ति रमना ने अपने आखिरी दिन में कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कर्मचारियों की जायज चिंताओं को दूर करने की पूरी कोशिश की। हालांकि आज सीजीआई ने दोस्तों योगी आदित्यनाथ के हेट स्पीच मामले को लेकर जो सुनवाई की, उसमें योगी आदित्यनाथ को यानी कि यूपी के सीएम को बड़ी राहत दी। यूपी के गोरखपुर में साल 2007 में हेट स्पीच के मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आज सीजीआई यानी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी राहत मिली है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि उन पर हेट स्पीच देने का मुकदमा अब नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर मुहर लगाई। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ पर मुकदमा चलाने की मंजूरी से इनकार करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिस पर आज सीजीआई रमना की बेंच जो है सुनवाई कर रही थी। लेकिन इस पूरे मामले पर योगी आदित्यनाथ को जो है बड़ी राहत दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सीएम योगी के खिलाफ 2007 यानी कि गोरखपुर दंगे के मामले को वापस लेने की चुनौती देने वाली याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा था। याचिका में आरोप लगाया गया था कि सीएम योगी की हेट स्पीच के कारण दंगे हुए, जिसमें 10 लोग जो है इलाहाबाद दंगे में मारे गए थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा याचिका खारिज करने के बाद याचिकाकर्ता परवेज परवास ने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दाखिल की थी, जिसकी सुनवाई आज सीजीआई रमना की बेंच कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने 21 अगस्त 2018 के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़े 2007 के गोरखपुर दंगों के मामले को हटाने को चुनौती देने वाली याचिका पर यूपी सरकार से जवाब मांगा था। दोस्तों, तत्कालीन सीजीआई दीपक मिश्रा की पीठ ने नोटिस जारी कर राज्य सरकार से 4 सप्ताह में जवाब मांगा था और आज सुनवाई के दौरान योगी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि निचली अदालत ने क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है, जिसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बरकरार रखा था। ये एक मरे हुए घोड़े को सिर्फ इसलिए कोड़े मारने की कोशिश है क्योंकि वो व्यक्ति सीएम है, रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं है, ऐसा दलील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट के अंदर दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से मुकुल रोहतगी ने दलील देते हुए कहा था कि इस याचिका को भारी जुर्माना के साथ खारिज कर देना चाहिए। वहीं कपिल सिब्बल ने 2007 में हुए गोरखपुर दंगे और योगी आदित्यनाथ के बयान पर उठे विवाद मामले में बहस करने से साफ इनकार कर दिया था। तो
दोस्तों आज जो CGI का कार्यकाल था वो इसी तरीके का रहा, जहां पर कई अहम फैसले जो है वो सुनाए गए, जिनमें योगी आदित्यनाथ का जो मामला था वो काफी अहम माना जा रहा था, क्योंकि योगी आदित्यनाथ पर कई गंभीर आरोप याचिकाकर्ता की तरफ से लगाया गया था। लेकिन ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में जाकर खारिज हो गया, जिस तरह से इलाहाबाद हाई कोर्ट में खारिज हुआ। दोस्तों आज CGI रमना ने ये साबित कर दिया कि कैसे उन्होंने पूरी तरीके से जो है पूरी ईमानदारी से पूरी शिद्दत से अपनी जो कार्य जो शैली थी उसको बेहतरीन तरीके से निभाया। उन्होंने जाते जाते देश की आवाम से तमाम लोगों से माफी मांग डाली कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ज्यादा से ज्यादा पेंडिंग केसों का निपटारा नहीं कर पाए, लिस्टेड नहीं कर पाए। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके मन में क्या राय है हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कैसा CGI रमना का कार्यकाल रहा यह भी हमें कॉमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताइए। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।